जी हाँ दोस्तों, खेसारी लाल के फैंस को मैं बताना चाहूंगा, खेसारी लाल का गजब का सॉन्ग मार्केट में आ चुका है। अभी आप सबको पता होगा, इनका काफी समय से खेसारी लाल के फैंस के बीच इनका कोई सॉन्ग नहीं आ रहा था, लेकिन दोस्तों फाइनली इनका एक से बढ़कर एक सॉन्ग खेसारी लाल के सॉन्ग चाहने वालों के बीच आ चुकी है। उस सॉन्ग में से शायद कुछ सॉन्ग आप लोग सुन भी चुके होंगे। फिलहाल इस सॉन्ग को अगर आप लोग नहीं सुना तो इस खास छोटी सी वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस सॉन्ग को किस कंपनी के थ्रू रिलीज किया गया है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, इनका एक सॉन्ग आया था अभी पिछले समय, नींबू खरबूजा भइल तो, इस सॉन्ग को शायद आप लोग सुन भी चुके होंगे। अभी के समय इस सॉन्ग पर यूट्यूब पर 30 मिलियन व्यूज क्रॉस हो चुके हैं। वैसे कोई भी सॉन्ग हो खेसारी लाल के तो वह सॉन्ग ट्रेंड जरूर करते हैं। इसके बाद सॉन्ग बालम आया था सपना चौधरी के साथ, यह भी सॉन्ग उतना खास तो नहीं, लेकिन खेसारी लाल के चाहने वाले ठीक ठाक ही पसंद किए थे। फिलहाल अभी तो खेसारी लाल के काफी हिट सॉन्ग अपकमिंग आने वाले हैं, उन सभी सॉन्ग का एक एक करके अपडेट मैं देता रहूंगा, बस आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। वैसे अगर आप लोग पवन सिंह के फैंस हैं तो इनके भी काफी हिट सॉन्ग मार्केट में आ चुके हैं। अगर आप लोगों को इनके सॉन्ग से रिलेटेड अपडेट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, जल्दी इनके भी सॉन्ग से रिलेटेड अपडेट वीडियो इसी चैनल पे आ जाएगी। वैसे दोस्तों आपको बताते चलूं, नीलकमल सिंह का भी सॉन्ग आजकल खूब लोग पसंद कर रहे हैं, इनका भी सॉन्ग खूब ज्यादा आजकल ट्रेंड कर रही है। वैसे आप लोग बताइएगा, आप लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में कौन सिंगर का सॉन्ग सुनना ज्यादा पसंद करते हो, कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर शेयर करना। फिलहाल दोस्तों इस सॉन्ग को अगर आप लोग सुनना चाहते हो तो यूट्यूब पर इस सॉन्ग को खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पर यह सॉन्ग को रिलीज किया गया है, जहां पर जाकर आप इस सॉन्ग के ऑडियो वीडियो सॉन्ग बड़े आसानी से सुन सकते हो। असल में इस सॉन्ग को एक साल हो गए हैं रिलीज हुए, लेकिन आज भी यह सॉन्ग बढ़िया ट्रेंड कर रही है। अभी के समय इस सॉन्ग पर खेसारी लाल के फैंस जम के रील्स भी बना रहे हैं। खैर, अगर आप लोग इन सॉन्ग में से किसी भी सॉन्ग को ऑलरेडी सुन रखा है तो आप सभी लोगों को इन सभी सॉन्ग में से कौन सी सॉन्ग ज्यादा बेहतर लगी, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल दोस्तों जाते जाते मैं बस यही कहना चाहूंगा, यह छोटी सी भोजपुरी सॉन्ग अपडेट से रिलेटेड वीडियो आपको कैसी लगी, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वैसे आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जाते जाते वीडियो को एक लाइक भी करते जाइएगा। आगे भी भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी अपडेट सबसे पहले जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, जिससे आपके भाई को थोड़ा सपोर्ट भी मिल जाएगा, क्योंकि भाई लोग ये नया चैनल सेकंड चैनल कुछ प्रॉब्लम के कारण डिलीट हो गया था। इस चैनल को ग्रोथ करने में भाई लोग काफी ज्यादा समय लग सकता है, अगर आप सबका सपोर्ट रहा तो बहुत ही जल्द हम सबका ये चैनल ग्रोथ हो सकता है। फिलहाल चलिए भाई लोग चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों से फिर से किसी बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।